कोतवाली परिसर में टेंट लगाकर समाज सेवियों ने तुलसी बेला गुलाब के फूल बांटे गए। आज दिनांक 17 जुलाई 2024 यो में अशरा मुहर्रम की 10 तारीख के मौके पर सलमान मियां फरमान मियां के सहयोग से सभी लोगों को पौधों का वितरण जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर मेहंदी हसन के द्वारा बांसखाना ब्रांच के अध्यक्ष साहिबी और उनकी टीम के द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हसन ने कहा कि आज हमारा एनवायरनमेंट लगातार दूषित होता जा रहा है, पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, नए पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रॉब्लम से सिर्फ पौधे लगाकर ही बचा जा सकता है। इस मौके पर जमात के पदाधिकारी मोइन खान, एडवोकेट अकबर अली, रिटायर्ड जेलर सैयद रफत अली आदि लोग मौजूद रहे। जमात है जमात हो जाए मुस्तफा, जो 100 साल पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे आला हजरत फाजिल बरेली साहब ने इसकी संगे बुनियाद रखी थी। ये जमात पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक चैन व अमन और पीस का पैगाम देती है। उसी के क्रम में आज हमारे जमात अजा मुस्तफा की तरफ से आप कोतवाली के गेट पर ये पौधा वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पर ये रखा गया था, जिसमें हमने हज़ारों की संख्या में पेड़ हमने जो है जिसमें छायादार, फलदार, फूलदार, तो इस टाइप के पेड़ जो है आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों ने किए और बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है। जैसा कि जैसे लोगों ने देखा कि ये प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और उन लोगों को हमने पेड़ को उनको दिया और हमने उनसे यही अपील की कि ये पेड़ आप जरूर लगाएँ, क्योंकि ये पेड़ जो है हमारे वातावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को ये स्वच्छ रखते हैं और आज की जो हमारी पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। इसी क्रम में हमने ये तय किया कि आज हम पौधा वितरण का जो है पेड़ जो है डिस्ट्रीब्यूट करें और जिससे हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ किया जा सके, ऑक्सीजन शुद्ध दी जा सके, उसमें हम जो भी सहयोग कर सकते थे इसकी हमने पहल जो है आज पहली बार जमात अजा मुस्तफा के बैनर पर मतलब ये जो है पौधा वितरण का कार्यक्रम किया। इससे पहले हम सामाजिक कार्य जैसे शरबत है, हलवा है, बिरयानी है, इस टाइप के लंगर और बहुत सारी चीज़ें हमेशा करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं और इसी क्रम में जो है आज हमने इस काम को किया और हमें बहुत अच्छा लगा और लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया और बड़े भीड़ की तरह लोग आए और उन्होंने जो है पेड़ों को जो है हमने कहा जिसका जिसकी डिमांड जिन्होंने किया, हमें बेला का चाहिए, हमें गुलाब का चाहिए, हमें तुलसी का चाहिए, बड़ी तादाद में तुलसी के पेड़ों को बढ़ा गया। तो तुलसी भी एक ऐसा वृक्ष है जो अच्छे से जो है मतलब हमारे बहुत सारे बीमारियों का जो है वो मतलब निवारण करता है, इसलिए जो है तुलसी के पौधों को भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और अभी अभी हमारी जमात की तरफ से एक और बहुत बड़ा काम किया गया है, जेल में बहुत सारे कैदी जिनको जो है आर्थिक दंड दिया गया था और उनकी फाइनेंशियली पोजिशन इस लायक नहीं थी कि वो पैसा देकर रिहाई करा सके थे, जमात हो चुकी थी, सारे काम उनके हो चुके थे, तो बहुत सारे लोगों को जो है हमारी जमात रजा मुस्तफ़ा की तरफ से उनका जो आर्थिक दंड था वो वहाँ जेल में जमा कराकर वो लोगों की रिहाई कराई गई है। हमें जेल की तरफ से हर समय चले जाते हैं, गरीब लोग को लड़की लड़की में शादी कराना और किसी का मकान गिर गया उसकी मदद करना। अभी अभी जेल में डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 कैदियों को रिहा कराया गया, उनको जमा जमा किया, मैं भी साथ में था, मैं रिटायर्ड जेलर हूँ रफत अली, तो वहाँ जाकर मैं जमा किया, शाम को बंदी छूट गई। आज हमने ये मुहर्रम के अशरे के दिन ये प्रोग्राम रखा है पौधा वितरण का, तो आज यहाँ काफ़ी हज़ारों पौधे वितरण किए गए और लोगों ने खुशी खुशी ले लिया उनको और उनसे कहा भी गया कि याद रखिए और पौधा लगाइए और वातावरण को स्वच्छ रखना, ये हमारी ज़िंदगी का एक भाग है, हिस्सा है।